साथियों अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे राहत की गुहार को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और SLP दायर की, क्या है कैसे है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, प्राथमिक शिक्षा में BED को शामिल किया जाए इसको लेकर। सबसे पहले आइए यहाँ बताते हैं पटना हाईकोर्ट में गई थी वहाँ क्या हुआ। पटना हाईकोर्ट ने भी बहाली में DLED को ही योग्य माना, यानी कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कर दिया गया कि नहीं बहाली में DLED ही योग्य है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की बहाली में DLED डिग्रीधारी को ही योग्य माना। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दायर अपील याचिका को निष्पादित करते हुए 22 सितंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवाद पर 3 बार फैसला दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवाद पर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार फैसला दिया है। इसमें सभी में करीब एक ही बात कही गई है, यानी कि तीनों फैसला में सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कहा है, किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है। इस बात को समझें तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा और ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है और कब तक हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट में सुबोध कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य की याचिका में एक इंटरलोकेटरी याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के तीनों निर्देश में स्पष्ट की कमी बताते हुए गाइडलाइन मांगी गई थी, यानी कि स्पष्टता की कमी है, गाइडलाइन किया जाए। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 22 सितंबर को यह फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों फैसले का नेचर समान है, स्पष्टता की कोई कमी नहीं है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बिहार सरकार की अनुरोध याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की। यहाँ पे देख सकते हैं, खास तौर पर मैं बता दूँ वो अभ्यर्थी जो BED हो या DLED हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार फैसला दिया गया है और एक ही नेचर में दिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और बात आपसे बता दें, देखिए यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। साफ तौर पर दिखता है कि 1 to 5 को लेकर केवल और केवल DLED अभ्यर्थी ही एलिजिबल है। अब यहाँ फिर आइए, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर कहा कि BED डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की स्पेशल अपील याचिका दायर की। राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश अड़े आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद ही BED डिग्री वाले अभ्यर्थी को भी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि BED डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक पद में नियुक्ति नहीं हो, प्राथमिक शिक्षकों के लिए DED की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया था कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षक के पद पर BED डिग्रीधारी को योग्य नहीं माना जाएगा। इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से राय मांगी। देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचिएगा, जानिएगा और समझिएगा, क्या यही काम यदि आज करना था तो 11 अगस्त को जो फैसला आया उसी समय शिक्षा विभाग जो इस समय दौड़ रही है उसी समय दौड़ना शुरू कर देती, उसी समय BED अभ्यर्थी को लेकर इतना प्रेम जला था तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन एग्जाम का डेट बढ़ा दिया जाता और बिहार सरकार और शिक्षा विभाग उसी समय से दौड़ लगाती तो कुछ काम होता। लेकिन अब आज से जाकर दौड़ लगाना, आज से मेहनत करना, आज से हाई कोर्ट जाना, आज से सुप्रीम कोर्ट जाना कितना कारगर होगा ये आप भी समझें। बहुत सारे अभ्यर्थी का ये आरोप है कि ये वैकेंसी को लटकाने का काम किया जा रहा है, ये किसी भी प्रकार का कोई इसमें सुधार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पुनः बहाल करेगी और 1 to 5 को लेकर जो BED है या DLED है फिर से समझ जाएंगे। तीसरी बात आपसे बता दें, आज तक आपको भी मालूम होगा
कि SLP जो दायर किया जाता है यदि आम जन दायर करते हैं तो 10 में से कोई मान्य नहीं होता है, लेकिन एक सरकार के द्वारा दायर किया जाता है तो 10 में से 4 की सुनवाई की जाती है जिसमें कि इसको एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि 4 का रेशियो रहता है, 40% का रेशियो रहता है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं SLP में भी, यानी कि स्पेशल लीव पेटीशन के बारे में बताया जाता है, उसमें आपसे पूछा जाता है। और एक बात आपसे बता दें, सुप्रीम कोर्ट आंतरिक फैसला दे सकता है कम समय में, लेकिन जो बहस चलते हैं फिर से जो उस पर बात विवाद चलता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसमें समय लगते हैं। बहुत सारे वकील से इस पर चर्चा करने के बाद मैं एक जो वीडियो बनाया हूँ वो भी आपको 1 से 1.5 घंटे में अपलोड किया जाएगा, उसको देखने के बाद आप एकदम 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे। चूँकि यहाँ पे देखिए, शिक्षा विभाग ने राय मांगी थी, शिक्षा विभाग महाधिवक्ता से सलाह मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जल्द ही सुनवाई होगी, राज्य में BA डिग्रीधारी की संख्या करीब 4 लाख के है, यानी 3,80,000 के 90,000 के, जबकि DLA डिग्रीधारियों की संख्या 1 लाख से कम है। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में अधिकतम संख्या में BA डिग्रीधारी है। यहाँ पे जो ये डाटा दिया गया है ये डाटा सही नहीं है, ये जो पेपर का डाटा है ये देखा जाए तो सही नहीं है। यहाँ पे 3,80,000 और 3,90,000 का आंकड़ा है, 3,90,000 BA डिग्रीधारी और 3,80,000 DLED डिग्रीधारी हैं, ये करेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं एक और पेपर में क्या दिया गया है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझें। BA डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, इस बार की शिक्षक भर्ती में मौका देने का अनुरोध, ये सरकार के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि इस बार दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए माना था अयोग्य। यहाँ पे देखिए, BA डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई। राज्य सरकार द्वारा SLP दायर की गई सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी वह केवल और केवल फॉर्म भराया गया था 11 तारीख को जो फैसला आया, और एग्ज़ाम आपका 24, 25 और 26 को हुआ, ये भी बात यहाँ पे समझेंगे। इस बाबत महाधिवक्ता PK शाही ने बताया कि BA डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था, इससे पहले ही BPSC ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदन BA डिग्रीधारी हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में BA डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें, आगे की बहाली में उन्हें प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि साफ तौर पर बिहार सरकार को कहना है, शिक्षा विभाग को कहना है कि इस बार बस मौका दे दिया जाए, आगे से इसमें हम मौका नहीं मांगेंगे, आगे से हम उनको अयोग्य मानेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सब कुछ निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन एक बात आप समझिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जानिएगा, यदि बार बार इस तरीका से होते रहे तो और समय खींचते जाएगा। यदि मान लेते हैं कि अभी यदि SLP दायर किया गया थोड़ा देर के लिए, 40% ही उम्मीद है, यदि दे दिया जाता है निर्देश कि चलिए BA डिग्रीधारी की बहाली आप करिए, तब तक फिर से डिग्रीधारी यानी DLED वाले भी पहुंच जाएंगे, BTC वाले पहुंच जाएंगे, यानी कि अब ये मामला लटकने लगेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ही फैसले पर पुनः बार बार विचार किया जाए तो ये भी एक समस्या हो जाएगा। इसलिए उम्मीद न के बराबर है, फिर भी हम सभी अभ्यर्थी से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक बार और आप लोग देखिए। जैसा कि बिहार यानी कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर अडिग रही, यानी कि यहाँ पे साफ तौर पर जिस तरीका से बिहार सरकार यानी BPSC ने जिस तरीका से बोला, शिक्षा विभाग से राय मांगी कि मैं क्या करूँ, तो शिक्षा विभाग ने अपने अधिवक्ता से राय विचार किए और उसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में उन्होंने दलील लगाया कि मुझे कुछ सुझाव चाहिए, और सुझाव में क्या चाहिए, क्लियरेंस चाहिए। क्लियरेंस कहने का अर्थ हुआ कि ये बात मुझे साफ तौर पर नहीं मालूम चल रहा है कि क्या बिहार सरकार के द्वारा BPSC के द्वारा जो बहाली किया जा रहा है वह बहाली पहले ही निकाली गई है, और फैसला जो आया है 11 अगस्त को आया है, तो हम क्या करें। तो साफ तौर पर आपसे बता दें, माननीय उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वही सर्वमान्य होगा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वह अपने ही फैसले को
पुनः उसी फैसला को बार बार दी है, तो इसलिए 1-5 में केवल और केवल डीएलएड ही मान्य होंगे। लेकिन राज्य सरकार पुनः एसएलपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, अब आप ही देखिए क्या समय लगेगा, कैसे होगा। इसमें एक बात जरूरी है कि 1-5 को छोड़कर 9th, 10th, 11th, 12th का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कितना समय लगता है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।